हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है शेरनी। ये मूवी आपको Amazon Prime OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। शेरनी, इसमें मेन लीड में विद्या बालन है, साथ में विजय राज, शरद सक्सेना, ब्रिजेंद्र काला और नीरज काबी जैसे बढ़िया कलाकार हैं। ये मूवी एक अलग तरीके की मूवी है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। स्टोरी कुछ यूँ है कि विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और उनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है। उनके सीनियर है ब्रिजेंद्र काला, जो कि अपना काम कम और मिनिस्टर्स की खुशामद करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जंगल में एक शेरनी ने आतंक मचाया हुआ है। आसपास के गांव में उस शेरनी का बहुत ज़्यादा आतंक है और सारे गांव वालों को सुरक्षित होने का आश्वासन देती हैं विद्या बालन। फिर वहां आते हैं शरद सक्सेना, जो कि एक हंटर हैं और जो कि विद्या बालन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब के बीच विजय राज, जो कि एक कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और DNA सैंपल ट्रेंड भी हैं, वो विद्या बालन का काम में पूरी तरह उनका हाथ बटाते हैं। फिर कुछ दिनों में शेरनी का आतंक बहुत तेज़ हो जाता है और नीरज का भी, जो कि इन सब लोगों के सीनियर ऑफिसर हैं, उनको मिनिस्टर्स खुद भेजते हैं शेरनी पकड़ने के लिए। फिर शुरू होती है हंटिंग ऑफ द टाइग्रेस, जिसमें नीरज का भी और शरद सक्सेना इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन विद्या बालन और विजय राज को इस शेरनी को ज़िंदा पकड़ना है, क्योंकि वो इसे मारने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अमित मसूरकर, जिन्होंने इससे पहले न्यूटन जैसी मूवी डायरेक्ट की थी, जो कि काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम थी। इसमें राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग आज भी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द रिमार्केबल एक्टिंग में जानी जाती है। लेकिन इस मूवी में वो बात नहीं जमा पाए। इतने बढ़िया कलाकारों के होने के बावजूद भी ये मूवी दर्शकों को बांधने में कामयाब नहीं हो पाई। मूवी बीच बीच में कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है। ठीक है भाई, आप एक ड्रामा मूवी बना रहे हो, लेकिन कम से कम उसे ऐसा तो रखो कि वो मूवी दर्शकों को बांधे रखे। और एंड में भी डायरेक्टर कंफ्यूज काफ़ी हो गए, समझ ही नहीं आया कि एंड कैसा बनाएं, क्योंकि एंड ऐसा था जिसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। हाँ, अगर आपको इंटेंस ड्रामा मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ये मूवी ठीक ठाक लगेगी, नॉट अ वेरी गुड वन। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। गुड बाय, थैंक यू।